असलकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ आज पढ़नी हमें एक्टिविटी फोर जो है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले मैं आपको बताऊँगी जब भी हम कहीं बैंक पे जाते हैं या किसी भी मनी लेंडर से जाते हैं वहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ से हम कुछ उधार लाते हैं मीनज I mean बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक लोन देता है हमें थ्री लाख फोर लाख लेकिन वो बोलता है वहाँ पे मुझे आफ्टर वन ईयर आप देना मुझे टूवेल्व परसेंट इंटरेस्ट मीनज जितना फोर लाख का टूवेल्व परसेंट आएगा उतना मुझे एक्स्ट्रा देना है ठीक है जो हमें एक्स्ट्रा मीनज इंटरेस्ट विथ मनी मीनस फोर लाख प्लस इंटरेस्ट देना होता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट क्या बोलते हैं अमाउंट लेकिन जो खाली बैंक हमें देता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्या बोलते हैं इसमें होता है अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या होता है प्रिंसिपल क्या होता है जो हमें बैंक देता है मीनस बैंक से हमने फोर लाख लिए या वन लाख चलो इधर लिखते हैं बैंक से हमने वन लाख लिया ठीक है लोन बैंक को हमें देना है आफ्टर वन ईयर विथ ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट कितना ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट वन लाख का ट्वेल्व परसेंट दे अगर हम देखेंगे वो कितना होता है ट्वेल्व थाउजेंड वन लाख का टूवेल्व परसेंट होता है ट्वेल्व थाउजेंट तो हमें देना पड़ता है उसको वन लाख और ट्वेल्व थाउजेंड तो टोटल हमें देना पड़ता है लाख टेल्व थाउजेंड तो टोटल हमें जो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो होता है हमारा अमाउंट वो होता है अमाउंट जो हमें बैंक को देना पड़ता है अब सेम क्वेश्चन है हमारे पास तो ये फार्मूला आप याद रखना अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे इसी को प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या होता है प्रिंसिपल जो होता है अमाउंट अगर ट्रांसपोज करेंगे इंटरेस्ट को इस साइड तो माइनस बन जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट तो अगर हम इंटरेस्ट देखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ट्रांसपोज करके इसको इधर चला लेंगे तो माइनस प्रिंसिपल जाएगा अब क्वेश्चन नंबर वन है इसी का पहला ही द ब्लैंक्स अमाउंट है रुपीज वन टू फोर फाइव ठीक अमाउंट इतना है प्रिंसिपल है रुपीज वन जीरो वन ज़ीरो हमें बताना है इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें हमने किया काम ना हमें परसेंट में बताना है हमें डायरेक्ट बताना है हमने इंटरेस्ट कितना बैंक से हमने वन थाउजेंड था। टेन रुपीज़ लिया ठीक पे किया हमने चाहे वन मंथ बाद वन ईयर बाद या जितनी मर्जी आपको यहाँ पे कोई टाइम दिया नहीं गया हमने इतना लिया था बैंक से और दिया उसको इतना हमें बता इंटरेस्ट हमें कितना दे हमने इंटरेस्ट कितना दिया तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अब अगर हम इंटरेस्ट देखना है हमें इंटरेस्ट यहाँ पे देखना है कितना है इंटरेस्ट किसके बराबर होता है इंटरेस्ट होता है बराबर अमाउंट और प्रिंसिपल इस साइड लेंगे तो माइनस प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमें बराबर अमाउंट कितना होता है वन टू फोर फाइव माइनस प्रिंसिपल कितना हो था वन ज़ीरो वन ज़ीरो तो वन टू फोर फाइव को माइनस करना है वन जीरो वन ज़ीरो तो वो देखेंगे कितना होता है फाइव में से जीरो फाइव थ्री फोर में से थ्री वन माइनस थ्री टू टू हंड्रेड थर्टी फाइव तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा टू हंड्रेड थर्टी फाइव अब दूसरा इसी का है अमाउंट अमाउंट हमारे पास है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट प्रिंसिपल बोलना है हमें इंटरेस्ट हमने पे किया वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो हमें प्रिंसिपल देखना है फार्मूला क्या है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ठीक है प्रिंसिपल हमें आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल हमें देखना है तो हम लिख सकते हैं अमाउंट इंटरेस्ट को इस साइड लेंगे माइनस इंटरेस्ट सॉरी हाँ ये प्लस था ये माइनस बनेगा इक्वल टू प्रिंसिपल अपनी जगह रहेगा प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना है हमें नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट माइनस इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा हमें सॉरी वन टू फाइव सिक्स जो इन दोनों का माइनस आया वो होता है हमारा प्रिंसिपल नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट माइनस वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो सिक्स में से एट में से सिक्स माइनस करेंगे टू ट्वेल्व में से फाइव माइनस करेंगे सेवन एट में से सिक्स माइनस करेंगे टू माइनस करेंगे सिक्स नाइन में से माइनस करेंगे ए वन तो एट तो प्रिंसिपल हमें था एट थाउजेंड सेवन सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू जो हमें पे किया था हमने लाया था कहीं से एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू फैर हमने टोटल उसको दिया नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट अगर आप चेक भी करोगे एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू प्लस वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स वो आएगा नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट अब तीसरा पार्ट इसी का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सेम है एक पार्ट में दिखाऊँगा हमें थर्ड पार्ट अमाउंट हमें चेक करना है प्रिंसिपल हमें है थ्री टू वन जीरो और इंटरेस्ट फाइव परसेंट इंटरेस्ट फाइव परसेंट हमने फाइव परसेंट इंटरेस्ट दिया किस पे प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल पे हमने फाइव परसेंट इंटरेस्ट दिया वो बन गया टोटल अमाउंट पहले हमें थ्री फाइव परसेंट इसका देखना है थ्री टू वन जीरो का फाइव परसेंट देखना है वो कैसे हम देखेंगे डायरेक्टली हम देखेंगे फाइव परसेंट फाइव परसेंट को जब हम कन्वर्ट करते हैं फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड इंट किस का थ्री टू वन जीरो का समझ आया यहाँ पे वन जीरो और यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन तो ये बन गया थ्री टू वन डिवाइड बाई टू तो थ्री टू वन डिवाइड बाई टू कितना बन गया जस्ट वेट थ्री टू वन डिवाइड बाई टू वन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव तो हमें वन हमने दिया वन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव इसका फाइव परसेंट होता है वन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव तो हमने वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव पॉइंट इसके बदले लिखेंगे हम वन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव तो अब हम फार्मूला देख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हमें निकालना है प्रिंसिपल क्या है थ्री टू वन ज़ीरो प्लस इंटरेस्ट क्या है ड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव तो अमाउंट हमें क्या करना है कैलकुलेट थ्री टू वन ज़ीरो प्लस वन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव वो बन गया थर्टी थ्री हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट फाइव तो हमने इतना अमाउंट है टोटल अब है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू महेश टू के लोन ऑफ महेश ने लोन लिया एट थाउजेंड क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको वेट महेश टू के लोन महेश ने लोन लिया बैंक से ऑफ़ एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिक्स परसेंट पर एन एम मीनस एक साल के लिए उसको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय महेश आफ्टर वन ईयर सेम यही क्वेश्चन है उसने लिया इतना और परसेंट इतना दिया लिया उसने इतना परसेंट इतना दिया हमें टोटल अमाउंट निकालना था सेम क्वेश्चन तो हम क्या लिखेंगे जस्ट वेट क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन महेश टू के लोन इज इक्वल टू रुपीज एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ही पेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है इसको कितना सिक्स परसेंट है ना पहले हम देखेंगे सिक्स परसेंट कितना होता है एट थाउजेंट तो यहाँ पे हम देखेंगे सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड क्योंकि सिक्स परसेंट क्या होता है परसेंट मीनस डिवाइड बाई हंड्रेड में से जितना इंटू किसका एट थाउजेंट टू हंड्रेड फिफ्टी ठीक है यहाँ पे जीरो और यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल टू थ्री ज़ा सिक्स टू फाइव ज़ा टेन समझ आया यहाँ पे अब यहाँ पे फाइव है यहाँ पे भी लास्ट में फाइव है यहाँ पे फाइव से करेंगे फाइव वन ज़ा फ़ाइव यहाँ पे देखना फाइव वन ज़ा फाइव बचे कितने इसमें से थ्री तो ये वो चले गए थर्टी टू बन गया फाइव सिक्स ज़ा थर्टी बचे टू यहाँ से थर्टी टू में से वो चले गए इधर फाइव के साथ फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव अब कितना बना गया यहाँ पे थ्री इंटू वन सिक्स फाइव थ्री इंटू वन सिक्स फाइव यहाँ पे टोटल वन रहा है ना नीचे वो बन गया फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ा उसको फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव अब हमें अमाउंट ऑट ऑबसली निकलेगा तो अमाउंट इज इक्वल टू तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू तो प्रिंसिपल कितना है एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस इंटरेस्ट उसको फोर हंड्रेड तो वो बन गया अमाउंट टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ा फो एट थाउजेंड टोटल अमाउंट सॉरी देर टोटल अमाउंट पेड बाय महेश इज़ इक्वल टू एट थाउजेंड हंड्रेड फोर्टी फाइव उजेंड से अब है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है हमें वंदाना टुक के लोन वंदाना ने लोन लिया आप रुपीज़ थर्टी सिक्स हंड्रेड फाइंड द इंटरेस्ट पेबल बाय वंदाना इफ़ शी रिटर्नड एंड अमाउंट अमाउंट कितना है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी लोन लिया था उसने इतना तो हमें बताना है उसने कितना इंटरेस्ट पे किया तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं पहले बताऊँगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है जस वेट ऐसे रखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है वंदाना टू के लोन ऑफ थ्री थर्टी सिक्स हंड्रेड वंदाना टू के लोन ऑफ थर्टी सिक्स ड्रेड आप रुपीज़ थर्टी सिक्स हंड्रेड फाइंड द इंटरेस्ट पेएबल तो लोन जो इसने लिया थर्टी सिक्स हंड्रेड वो क्या होता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू तो रुपीज़ थर्टी सिक्स हंड्रेड समझ आया फाइंड द इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें निकालना है लेकिन उसने अमाउंट पेड अमाउंट पेड बाय वंदाना कितना अमाउंट पे किया उसने फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो हम अमाउंट लिख सकते हैं अमाउंट लिख सकते हैं इधर कितना फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो इंटरेस्ट हमें निकालना है तो फार्मूला क्या है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे किया उसने फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो प्रिंसिपल क्या है थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस इंटरेस्ट आप जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस प्रिंसिपल को इधर लेंगे ये प्लस में है माइनस में चला जाएगा फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी माइनस थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपनी जगह रहेगा फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी वेट माइनस फाइव वो बन गया सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी तो इंटरेस्ट उसको कितना पे करना पड़ा सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ समझ आया अब है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर बता रहा है मुक्ता डिपॉजिटेड सम मनी इन ए बैंक मुक्ता ने डिपॉजिट मीनस डिपॉजिट जब हम बैंक में मनी डालते हैं मोनी रखते हैं मीनस हम अपने अकाउंट में टेन थाउजेंड रखेंगे तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट जब हम निकालते हैं अकाउंट से पैसे या बैंक से पैसे तो उसको बोलते हैं विड्रा ठीक है विड्रा हम उसने डिपॉजिट किया मुक्ता ने डिपॉजिट किया सम मनी इन ए बैंक हमें पता नहीं अभी कितना किया तो क्वेश्चन बोल है शी गॉड बैक उसने वापस निकाला फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट हाउ मच मनी डिड शी डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक वाज फोर थाउजेंड हंड्रेड फिफ्टी देखो जब हम अकाउंट में पैसे डालते हैं ठीक है हमें क्या करना होता है हम अगर इंटरेस्ट पे रखेंगे वहाँ पे तो हमें इंटरेस्ट बैंक देता है पैसों पे ठीक है तो बैंक ने उसको दिया यहाँ पे 4,750 पैसे सॉरी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो उसने डाले थे फाइव थाउज़ेंड फोर फिफ्टी फोर थाउज़ेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट हाउ मच मनी डेड शी डिपॉज़िट उसने कितना डिपॉज़िट किया लेकिन निकाला उसने इतना निकाला इतना और बैंक ने उसको इतना अमाउंट दिया इंटरेस्ट दिया इसमें से तो हमें निकालना है डिपॉजिट कितना किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट वेट। टोटल अमाउंट कितना उसने किया निकाला वहाँ से फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट हाँ, बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट कितना रुपीज फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी इसमें से जो इसने यहाँ ये यह निकाला उसमें उसको बैंक ने इतना दिया उस वो इसी में ऐड है तो हमें क्या करना है प्रिंसिपल निकालना है उसने कितना बैंक को दिया था प्रिंसिपल हमें निकालना था फार्मूला क्या है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कितना है फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है प्लस इंटरेस्ट क्या है फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो इस इंटरेस्ट को इधर लेंगे फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट माइनस फोर्टी सेवन थाउजेंड फिफ्टी इज इक्वल टू पे ठीक है फोर्टी सॉरी फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट माइनस फोर्टी सेवन थाउजेंड फिफ्टी तो वो बन गया प्रिंसिपल इसका फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी एट तो टोटल उसने बैंक में डिपॉजिट किया था फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी एट सॉरी इससे पहले मैं एक एक्सरसाइज भूल गया था एक्टिविटी टू एक्टिविटी सेकंड ठीक है एक्टिविटी सेकंड है द ब्लैंक्स द ब्लैंक्स हमें बताना है टेन परसेंट ऑफ है? पैसे कितने परसेंट ऑफ रुपए है पहले हमें देखना है टेन पैसे कितने परसेंट ऑफ रुपए एक रुपए कितने की होती है हंड्रेड पैसों की तो हम लिखेंगे टेन डिवाइड बाई हंड्रेड और परसेंट में निकालना है तो परसेंट के लिए हमें मल्टीपल हंड्रेड करना है यह है फार्मूला हमें टेन डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू मीनस टेन पॉइंस हंड्रेड रुपीज़ में से और इंटू है हंड्रेड ये फार्मूला है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हंड्रेड है। और हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा बचा क्या यहाँ पे टेन तो यहाँ पे टेन ही आएगा दूसरा इसी का सेवनटी फाइव सेम यहाँ पे सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई किस में से हंड्रेड रुपीज में से हंड्रेड पैसे में से, से? इंटू करेंगे हंड्रेड हंड्रेड और हंड्रेड कैंसिल सेवनटी फाइव यहाँ पे परसेंट ऑफ है, ठीक है थर्ड सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना परसेंट होता है मीटर की ठीक है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है सिक्सटी सेंटीमीटर कितना परसेंट होता है एक मीटर तो ए हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं एक मीटर तो हम लिखेंगे डायरेक्टली सिक्सटी डिवाइड बाई हंड्रेड इन टू परसेंट का हंड्रेड तो हंड्रेड और कैंसिल बचा गया यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे है फोर्थ पार्ट एट हंड्रेड मीटर कितना परसेंट ऑफ किलोमीटर होता है देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एट हंड्रेड मीटर मीटर थाउजेंड मीटर एक किलोमीटर होता है तो 800 मीटर में से डिवाइड करना है 1000 मीटर से डिवाइड करना है 800 मीटर मीनस 1000 मीटर क्यों लिखा मैंने यहाँ पे एक मी एक किलोमीटर होता है 1000 किलोमीटर मीटर के बराबर एक किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर इसीलिए जैसे यहाँ पे एक मीटर था 100 सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे एक रुपयी था 100 पैसे तो सेम यहाँ पे एक किलोमीटर होता है हंड्रेड थाउजेंड मीटर के बराबर इसलिए मैंने थाउजेंड लिखा डिवाइड बाई इन टू हंड्रेड तो यहां पर अगर हम देखेंगे टू जीरो टू जीरो तो 80 तो पे कितने परसेंट होते हैं एट्टी परसेंट समझ आया जैसे यहाँ पे सिक्सटी था सिक्सटी परसेंट परसेंट सेवेंटी सेवेंटी फाइव फाइव था एट हंड्रेड था यहाँ पे एटी परसेंट समझ आया क्योंकि एक किलोमीटर होता है थाउजेंड मीटर के बराबर अब यहाँ पे हैं ग्राम्स का वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ग्राम कितना होता है परसेंट ऑफ के जी तो यहाँ पे थाउजेंड ग्राम्स होते हैं वन के जी बराबर तो डायरेक्टली हम लिख सकते है, 125 हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई हंड्रेड इन हंड्रेड हंड्रेड और हंड्रेड कैंसल वो होता है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट क्योंकि हंड्रेड थाउजेंड ग्राम सॉरी 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 यहाँ पे क्यों क्योंकि थाउजेंड यहाँ पे मैंने क्यों थाउजेंड लिखा थाउजेंड ग्रामज होते हैं वन वन के जी थाउजेंड ग्राम होता है कितना वन के जी तो यहाँ पे टू जीरोज़ काट हो जाएंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टेन तो टेन से डिवाइड करना है किस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को टेन वनजा टेन बचा कितना टू ठीक है और ये फाइव नीचे आएगा टेन टू ज ट्वेंटी बचा कितना फाइव अब ऊपर कुछ भी नहीं है डिविडेंड में तो जीरो पॉइंट चढ़ाएंगे जीरो नीचे है टेन फाइव जै फिफ्टी तो ट्वेल्व पॉइंट टूवेल्व पॉइंट फाइव परसेंट है ये तो इसके बाकी क्वेश्चन भी देख लेना पहले देख लेना आवर का क्वेश्चन है एक फोर्टी मिनट्स कितने आवर कितने परसेंट ऑफ़ आवर होता है मीनस आवर में सिक्सटी मिनट्स होते हैं फोर्टी डिवाइड बाई सिक्सटी इंटू हैंड्रेड समझ आया जो पार्ट नहीं आएगा मुझे बताना थैंक यू